हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन सैनी एंड आई हैव कम विद द बॉलीवुड रिव्यूज ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते जो फिल्म रिलीज हुई है वो है सनी लियोन स्टारर जिस्म 2, जिसे डायरेक्ट किया है पूजा भट्ट ने और स्टार कास्ट में सनी लियोन का साथ दिया है रणदीप हुडा और अरुणोदय सिंह ने। चलिए बात करते हैं फिल्म की। अ टॉपलेस सनी लियोन इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज इज़ना इन अ पैक मूवी हॉल। ऑडियंस स्टार्ट्स हूटिंग फॉर अ वुमन हु मेड ऑल द मेन अक्रॉस द नेशन ऑलमोस्ट वीक ऑन देयर नीज। फॉरगेट मेन, इवन वुमन कांट हेल्प बट एडमायर हर रॉ सेक्स अपील। फिल्म की कहानी है एक एडल्ट फिल्म स्टार इज़ना की, जो अपनी जीविका कमाती है प्रोस्टिट्यूशन से। इसी प्रोसेस में एक रात बिताने के लिए उनके साथ आते हैं आयान, यानी कि अरुणोदय सिंह। रात बिताने के बाद वेरी नेक्स्ट डे वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कबीर खान, जो कि इज़ना का एक्स लवर है, जो एक टेररिस्ट है, उसे पकड़ने में उसकी मदद करे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आयान को एक रात बिताने की क्या जरूरत थी इस मकसद के। शायद वो इज़ना की खूबसूरती के इतने कायल हो गए कि अपने आप को रोक ही नहीं पाए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर पूजा भट्ट ने श्रीलंका की लोकेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। जहां तक फिल्म के म्यूजिक की बात है, भट्ट कैंप की सभी फिल्मों की तरह इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही खूबसूरत है। सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल एप्ट। ओवरऑल फिल्म की बात करें तो रणदीप हुडा, अरुणोदय सिंह और सनी लियोन ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। कम से कम फिल्म एक बार तो देखने लायक है, कम से कम इस बात के लिए तो जरूर कि हाउ पेट्रॉइड सनी लियोन सेक्रीफाइस करती है अपने इमोशंस को देश के लिए, एंड डेफिनेटली टू सी हर क्लीवेज। और जहां तक रेटिंग की बात है, मैं इस फिल्म को 2 स्टार दूंगा। बाकी देखना या ना देखना ये आपके हाथ में है, बट डेफिनेटली टू वॉच सनी लियोन, वॉच इट।